जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विजय एजुकेशन पालमपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्वेश्चन का। इसी के साथ मैं आज की क्लास जो है वो शुरू करता हूं। आप फटाफट जो है हमारी क्लास के साथ बन जाइएगा, शेयर कर लीजिएगा, वीडियो आखिरी तक देखिएगा। सभी की सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो खत्म होने के बाद यानी कि क्लास खत्म होने के बाद जो है अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा क्लास को, वीडियो यानी कि क्लास कैसी रही। जल्दी से जय हिंद लिख के फटाफट जो है शेयर कर दीजिएगा। और मैं आज के लिए जो आपको मोटिवेशन के लिए लेकर आया हूँ, क्या है खास आज है आपके लिए खास, कौन कहता कि है कि नेचर कभी बदल नहीं सकता, बस एक चोट की जरूरत है, अगर उंगली पे लगी तो नेचर बदल जाता है और दिल पर लगे तो नेचर बदल जाता है। आज के सवाल में हम लेकर आए हैं आपके लिए हिमाचल ज्ञान रोजाना की तरह। और हिमाचल ज्ञान में जो है आपको पता है रोजाना में हम क्या क्या आपसे पूछता हूं, मैं वही सवाल है हम रोजाना पूछे जाते हैं। से रिक्वेस्ट रहेगी कि क्लास शुरू करने से पहले मैं अपने हैं उनको कि आज गिफ्ट ये क्लास दे दी, गाना क्लास लगाए, आपकी क्लासेस हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके ज्यादा से ज्यादा क्लासेस का हमारा जो है लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। स्वागत करूंगा नेचुरल वाइब्स का, सिया शर्मा का, श्राना काजल शर्मा नेचुरल वाइब्स पे आ गया, अंकित मधु सबका आपका स्वागत है इस क्लास में। और भी बच्चे हमारे साथ आराम आराम से जुड़ जाएंगे, का वेट मैं आज मनो मैं भी होंगे और कि सब क्लास लगा ही लेनी है, क्लास लगानी है वो तैयारी करने बैठ गए हैं। आपके साथ जो है क्लास शुरू कर रहा हूँ, खास ख्याल रखिएगा क्लास को जो आगे बढ़िया से। और क्वेश्चन हो फर्स्ट कि हमारी क्लास में जो है एचपी पुलिस और पटवारी के सामान्य ज्ञान की क्लास, ज्ञान की जो एरर आ रहा है तो आइडिया लग जाए साउंड एरर कैसा आ रहा है, साउंड में क्या दिक्कत आ रही है। ये दिन पूरा है, साउंड प्रॉपरली है, साउंड में कुछ नहीं। अनिकेतन को ही आ रही है कि ये सभी को आ रही है, ये बताएं मुझे, थोड़ा सा रिप्लाई दीजिएगा जो हमारे प्यारे बच्चे हैं क्लास में कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैं जो सुन रहा हूँ वो तो प्रॉपरली आ रही है, वहाँ पर तो आवाज़ प्रॉपर है। अनु ठाकुर बोल रहे हैं आ रही है सर, ठीक है जी धन्यवाद आपका। साउंड कहीं को रुक रुक कर आ रही है और कहीं प्रॉपरली आ रही है, क्या इलाज होगा, प्रॉपरली क्यों नहीं आ रही है भैया, डाटा वाला माइक है। देखिए आप आराम से सुनिएगा, साउंड मेरे ख्याल से प्रॉपर होगी। तो पहला सवाल है भागा नदी कहां से निकलती है, भागा नदी कहां से निकलती है, जल्दी आंसर करें सभी साथ साथ में, भागा नदी कहां से निकलती है, तो आंसर क्या रहेगा। सूरज ताल के साथ जा रहे हैं, बहुत बढ़िया रोजगार मुंडा, बहुत बढ़िया बेटा रोजगार पाएगा। हिमाचल पुलिस की भी नोटिफिकेशन आने वाली है, सुखू ने इस महीने में आपके लिए कर दी है आज की बैठक में की घोषणा। तो सूरज ताल भागा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, सूरज ताल जो कि लाहौल स्पीति में है, कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में है, चिनाब नदी से है, चिनाब नदी का निर्माण चंद्र और भागा नदी के संगम से हुआ है जो कि तांडी नामक स्थान पर, कहाँ पर, तांडी नामक स्थान पर जो है ये मिलती है। चंबा में चिनाब नदी भुरजिंद नामक स्थान से प्रवेश करती है, तो चंबा में कहां से चिनाब नदी प्रवेश करती है, तो भुरजिंद नामक स्थान से करती है। चिनाब नदी हिमालय और हिमाचल प्रदेश के दो जिलों में बहती है, कौन कौन से हैं, तो चंबा और लाहौल स्पीति में बहती है, कहां पर बहती है, चंबा और लाहौल स्पीति में बहती है। और चिनाब नदी संसारी नाले से हिमाचल को छोड़ देती है और जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है, तो चिनाब नदी जो है वो कहां से या किस स्टेट में जाती है, तो चिनाब नदी जो है वो जम्मू कश्मीर में जाती है और कहां से जाती है, वो जाती है संसारी नाले से, कहां से जाती है, संसारी नाले से, यानी कि ये चंबा के पास पड़ा संसारी नाला डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां से ये प्रवेश करती है। अगला सवाल शिलाई धार जो है वो किस जिले में है, शिलाई धार जल्दी से बताइएगा। धारों से जुड़े हुए सवाल बहुत ज्यादा आते हैं पेपरों में प्यारे बच्चों, धारों से जुड़े हुए सवाल बहुत ही बार पेपरों में पूछे जाते हैं, जल्दी से आंसर कमेंट करते रहिएगा। अगर आपको साउंड प्रॉब्लम आ रही हो तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप सभी जो है साउंड का इशू जो आ रहा है वो देख लीजिएगा, साउंड इशू क्यों आ रहा है, मुनीश शर्मा आप मुझे कमेंट जरूर दीजिएगा। शिलाई जो है वो सिरमौर, बिल्कुल सही, सिरमौर में है, कहाँ पर है, सिरमौर में है, सिरमौर में है शिलाई धार, शिलाई धार कहाँ पे है, ग्रेट खली भी सिरमौर से ही है, बिल्कुल सही, ग्रेट खली भी सिरमौर से ही है,
मुनीश शर्मा, साउंड कैसी है ये जरूर बताएं, साउंड कैसी है। बब्बू मान भी आ गए हमारे सी ऑप्शन, आज के गाना गाने नहीं गए हैं बब्बू मान जी। सिरमौर जिले की धाराओं के बाद क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके ओके, आपको साउंड प्रॉपरली आ रही है यानी कि इतना थोड़ा सा ध्यान से देखिए, साउंड प्रॉपरली आ रही है। ठीक है जी, तुड़धार शिमला और सिरमौर के बीच में है। हाँ दिलीप सिंह राणा बिल्कुल, ग्रेट खली, नोरारा धार, हरिपुर धार, सेन धार और क्यारदा दून धार, ये सभी धाराएं जो हैं वो सिरमौर में है। ये सभी जो धाराएं हैं ये कहाँ पर हैं, सिरमौर में है प्यारे बच्चों। कहाँ पे हैं, सिरमौर घाटी में ये धाराएं आपको देखने को मिलेंगी। कहाँ पे मिलेंगी, सिरमौर घाटी में धाराएं आपको जो है वो देखने को मिलेंगी प्यारे बच्चों। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। एचपीएमसी, आपने सुना होगा एचपीएमसी के बारे में। एचपीएमसी एप्पल प्रोसेसिंग यूनिट किस जिले में लगाई गई है। एचपीएमसी जो है हिमाचल प्रदेश की है। एचपीएमसी यानी कितने बोल रहे हैं, साउंड डन। ओके धन्यवाद मेरे भाई, साउंड का बड़ा मेरे को प्रॉब्लम रहती है, साउंड मेरी को सुनाई नहीं दे, पढ़ेंगे वो बताएं। एचपीएमसी हमारे यहाँ पर भी बस स्टैंड में जो है, हर लगभग हर कई बस स्टैंड में जो है इनकी शॉप्स खुली होती हैं, वहाँ पर प्रोडक्ट्स होते हैं वो सेल होते हैं, मेरा भी मिलता है। आंसर दीजिएगा सभी, तो मंडी में है, मंडी में कहाँ पर है, जरोल में। ठीक है, जरोल में स्थित है ये, कहाँ पर है, मंडी के जरोल में स्थित है। अभी याद रखिएगा, एप्पल प्रोसेसिंग यूनिट किस जिले में स्थित है, एचपीएमसी जो है वो मंडी के जरोल में स्थित है। अगला सवाल, जाने से पहले देखिए मंडी की कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ है, नगवाई। पोल्ट्री फार्म कहाँ है, चौंतड़ा में। शानन जल विद्युत परियोजना जोगिंद्रनगर में, सबसे पुरानी भी है ना। इस परियोजना को 1926 में बनाना शुरू किया था और 1933 में बनकर तैयार हुई थी। ठीक है, बनकर तैयार किया गया था। इसके चीफ इंजीनियर जो थे वो बी सी बैटी थे, बी सी बैटी जो थे वो इसके चीफ इंजीनियर थे, शानन जल विद्युत। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद आपका सबका, बहुत बढ़िया जी। अगला सवाल, रतनपुर धार किस जिले में स्थित है, रतनपुर धार किस जिले में स्थित है। सभी आंसर साथ साथ में करिएगा, अपने दोस्तों और मित्रों में भी शेयर करिएगा इस क्लास को। रतन धार तो किस जिले में स्थित है, रतन धार किस जिले में है, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना। चार ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी डी, सभी आंसर कर सकते हैं मेरे भाई, जल्दी से आंसर करिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो डेली 8 बजे हमारी इस क्लास में जरूर ज्वाइन करिए, ज्वाइन करते ही आपको मजा भी आएगा क्लास का, गाना क्लास लगाकर ही आपको फायदा है। जल्दी से जल्दी जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी साथ साथ में ज्वाइन करिए क्लास को, ताना क्लास लगाने आई है हमारे, ताना क्लास लगाने आई है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, रतनपुर जो है ये है बिलासपुर में। सबके आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, बहुत बढ़िया है। रतनपुर, रतनपुर जो है वो इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों, रतनपुर जो है बिल्कुल इसका सही आंसर है। रतनपुर धार, रतनपुर धार कहाँ पर है, ये बिलासपुर में स्थित है। कहाँ पे है, बिलासपुर में है प्यारे बच्चों, बिलासपुर याद कर लो सभी साथ साथ मेरे साथ, कहाँ पे है, बिलासपुर में ये स्थित। बिलासपुर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं आज। कोट धार, करिएगा थानियार धार, धार बहादुरपुर धार बिलासपुर में ही है। रतनपुर किला जो है रतनपुर धार पर है, इसी किले को के आधार बनाकर अंग्रेज जनरल ऑक्ट ऑर्ली ने गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को हराया था, को हराया था, अमर सिंह थापा को हराया था। ठीक है जी, नोट करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और बिलासपुर में सतलुज, चौंतो और दानपी घाटियां भी, याद रखिएगा कौन कौन सी घाटियां यहाँ पर स्थित हैं। अगला सवाल, अगला सवाल, सभी साथ साथ में कमेंट करिएगा वीडियो के साथ में, सभी के सभी साथ साथ में ही, क्लास के साथ साथ में कमेंट। राजा केहरी सिंह, राजा केहरी सिंह छत्रपति की उपाधि किसने दी थी, राजा केहरी सिंह को छत्रपति की उपाधि, एक तो छत्रपति शिवाजी हुआ करते थे, तो राजा केहरी सिंह को छत्रपति की उपाधि दी गई है, ये किसने दी थी, अकबर था, शाहजहां था, औरंगजेब था या जहांगीर था। आपका क्या आंसर रहेगा, सभी सी ऑप्शन के साथ कहें बिल्कुल सही। मधु जी बोल रहे हैं सर जी साउंड नॉट प्रॉपरली, आइडिया नहीं है साउंड क्यों नहीं है। औरंगजेब बिल्कुल सही आंसर है, औरंगजेब बिल्कुल सही आंसर है भैया, औरंगजेब जो है उन्होंने छत्रपति की, राजा केहरी सिंह को जो है ये उपाधि दी। राजा केहरी सिंह छत्र सिंह के पुत्र थे, राजा केहरी सिंह को अजान बाहु के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब वो, जब भी वो सीधा खड़ा होते थे उनकी बाजू उनमें घुटने को छूती थी तक पहुंच जाती थी, और राजा केहरी सिंह जहां जाते थे वहां उनके सर पर एक छोटा सा बादल उनके साथ साथ चलता रहता था, इसके कारण औरंगजेब ने उन्हें छत्रपति की उपाधि यानी कि ऊपर जो है टोपी जैसी लगी हुई थी बना कर दी हुई थी, वजह से टोपी भी क्या बोले, बादल था वो साथ साथ चलता। बहुत बढ़िया अनिकेतन, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना कब की, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना कब की, जल्दी से अपना आंसर कमेंट करिएगा। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना कब की थी, राजा शर्मा डी ऑप्शन दे रहे हैं, अनिकेतन 1914 के साथ गए हैं, और करेक्ट आंसर भी बिल्कुल सही, चंदन जी बिल्कुल सही है, 1914 बिल्कुल सही है। लाला हरदयाल, लाला हरदयाल जो है बिल्कुल सही आंसर है, 1914 आपने सही पकड़े हैं।
मधु जी का भी आंसर सही है, जू बिल्कुल सही है, सीएम शर्मा का आंसर बिल्कुल सही है प्यारे बच्चे। पहाड़ी नेताओं की का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है, जितने भी हमारे पहाड़ी नेता हैं तो इन नेताओं का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है, राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है पहाड़ी नेताओं का, पहाड़ी नेताओं का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है। सभी आंसर कमेंट करिएगा, वीडियो को भी शेयर करिएगा और बताएं आपको आपके हिसाब से जो है राजनीतिक से माना जाता है, राजनीतिक से माना जाता है। जल्दी से अपना आंसर साथ साथ में कमेंट करिएगा, है दम तो दे दो भैया, आंसर दे दो। सभी से कहूंगा अपनी जो तैयारी है तो लगाइए और जोर लगाइए, करेक्ट आंसर रहेगा चौधरी शेर जंग, चौधरी शेर जंग की ऑप्शन बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चौधरी शेर जंग जो है वो इसका सही आंसर है, चौधरी शेर जंग जो है वो बिल्कुल इसका एक्यूरेट आंसर है बच्चे। तो सभी साथ साथ में वीडियो को साथ साथ में शेयर कर देना, साथ साथ में शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। और चौधरी शेर जंग तो राष्ट्रीय आंदोलन कई बार पूछे जाते हैं, धामी गोलाकांड जो है दीप सिंह राणा ने करवाया था, कब किसने करवाया था धामी गोलाकांड, दीप सिंह राणा ने 1914-15 के बीच मंडी में क्या जवाहर सिंह और खैर ईरानी ने गदर पार्टी की पहली शाखा की स्थापना की, याद रखिएगा मंडी में। और 1939 को धामी गोलीकांड लोग कनेडी चौक पर हुआ था, कहां पर हुआ था लोग कनेडी चौक पर। और 11 जून 1942 को सिरमौर में पछोता आंदोलन हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा पछोता आंदोलन कब हुआ है, तो याद रखिएगा 1942 में सिरमौर में हुआ है पछोता आंदोलन, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। सभी जानते हैं शिकारी वन्य जीव अभयारण्य का, सभी आंसर करिएगा चंबा मंडी और शिमला और सिरमौर, एबीसीडी चार ऑप्शन आपके सामने, सभी आंसर करिएगा। शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य, शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है, आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर सी ऑप्शन के साथ गए हैं मंडी। मंडी भैया चाहिए आप माता जी के पास, शिकारी देवी का मंदिर है वहां पर, हर साल बिजली गिरती है मंदिर के ऊपर भी। नेक्स्ट सवाल, युम चेनमो किसका नाम है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, युम चेनमो किसका नाम है, देवी दुर्गा, देवी रेणुका, भगवान शिव या तारा, सभी आंसर कमेंट करिएगा, जल्दी से शेयर भी करिएगा। आज का नौवां सवाल आ चुका है हिमाचल ज्ञान में, हिमाचल ज्ञान में जो है नौवां सवाल, जल्दी से अपना आंसर साथ में दीजिएगा। ऑप्शन के साथ गए हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है, मैं भी प्यारे बच्चे दे रहे हैं डी ऑप्शन, देवी तारा, देवी तारा का जो नाम है वो तुम चेनमो भी है। धर्म आस्था और स्थानीय देवताओं से जुड़े हुए, मंगल वालों की देवती देवी जो है वो है दुर्गा, डुल डुंग नाम जो है वो शिव जी का है, आटेश्वरी नाम जो है वो दुर्गा का है, दुर्गा का है, और मणिकरण जो का संबंध गुरु नानक देव जी से, मनसा देवी जो है वो सांपों की देवी भी कहा जाता है, मनसा देवी को क्या कहा जाता है, सांपों की देवी भी कहा जाता है, बहुत बढ़िया ऑफिशियल काल्य देवभूमि, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया सही आंसर था आपका। लास्ट सवाल आज का एचपी जीके का, इसके बाद हमारे अगली शुरू होगी अगला सब्जेक्ट, मट्टन सिद्ध मेला कहां पर लगता है, मट्टन सिद्ध मेला कहां पर लगता है, बहुत बार पूछा गया सवाल है मट्टन सिद्ध का मेला कहां पर लगता है, जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा, मट्टन सिद्ध का मेला कहां पर लगता है, सभी आंसर करें, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। रोजाना 8 बजे हमारे साथ क्लास लगाने के लिए तैयार रहें, रोजाना 8 बजे, 8 बजे हमारे साथ क्लास लगाने के लिए तैयार रहें, क्लास जो है हमारी डेली चलती है रोजाना शाम 8 बजे, भी से रिक्वेस्ट रहेगी रात 8 बजे जो है वो तैयार रहें, यानी कि टूथब्रश करके रहना है, सब क्लास लगाने के लिए तैयार रहें, सभी ने साथ साथ में जी वीडियो के साथ साथ में बनाना है। और किसी को अगर इसका पीडीएफ भी लेना है, पीडीएफ लेना है तो वीडियो को लाइक करना है, और साथ में मैंने आपको ये जो पिन किया है टेलीग्राम का चैनल का, इस टेलीग्राम पर जो है इस क्लास के बाद जो है पीडीएफ भी आपको मुहैया करवाया जा रहा है, और नहीं तो आपको एप्लीकेशन पर हमारी पर प्राप्त होगा विजय पथ डाउनलोड कर, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मेरे भैया ये फोन नंबर है इस पर व्हाट्सएप करिए, और व्हाट्सएप नंबर से हमारी हेल्पलाइन से भी आप हेल्प ले सकते हैं किसी भी प्रकार की। तो आंसर है हमीरपुर, करेक्ट आंसर रहेगा हमीरपुर। प्यारे बच्चों मेले और त्योहारों पर क्वेश्चन आते हैं, तीज का त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है सिरमौर, बाबा त्यागीर मेला कहाँ पर लगता है कांगड़ा, तोशिम महोत्सव कहाँ का है और भैंसों की लड़ाई कहाँ पर है सायर के मेले में अर्की और सोलन में, ये ठीक है उजाला यानी बड़ी दिवाली बोलते हैं इसको, वो लाहौल स्पीति कहाँ पे, लाहौल स्पीति में मनाई जाती है। ये था हमारा हिमाचल ज्ञान, इसके बाद आ गया हिंदी के महत्वपूर्ण सवाल, और उन सवालों से पहले मैं आपको इंटीमेट कर देता हूँ 5 जनवरी जो एचपी टेट मिशन ऑनलाइन पेड बैच शुरू हो रहा है, आप इसके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आपको बायलैंग्वेज नोट्स क्विज और साथ में मॉक टेस्ट सीरीज आपको और रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस जो और स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो कि आपका एक सपना सरकारी नौकरी का वो पूरा करने के लिए विजयपथ एजुकेशन तत्पर रहेगा आपके साथ 24 घंटे। फटाफट जो है का लाभ लें और हमारे साथ जो है वो जुड़ने की ये जो है डेली तैयार सवाल, इसके बाद अगले चलेंगे टॉपिक वाइज करंट अफेयर, ठीक है 10 सवाल है भैया
भी देने की कोशिश करिएगा। अयोग्य वाहक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? अयोग्य वाहक किसे कहा जाता है? महाप्राण को, पार एवं सर्ग को, संयुक्त व्यंजन को, या अल्प प्राण को? बिल्कुल सही अनिकेतन जी, जोर से और मटन से दोनों हमीरपुर के, बिल्कुल सही जी। काजल जी बिल्कुल सही, आप भी बिल्कुल अच्छे से आंसर दे, नेचुरल वाइब्स आंसर दे रहे हैं। पालन देव आए हैं बॉय, बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं। अक्षित हीर बहुत अच्छे से, मधु जी का आंसर आ रहे हैं। सभी अपनी अपनी तैयारी जो है वो दर्शा रहे हैं, और इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। सही आंसर भी भैया बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आप सबके आंसर बिल्कुल, कंग्रेचुलेशंस कि आज आपकी तैयारी जो है वो अपने आपको भी चेक करिए, क्योंकि तैयारी जो है वो आपको आई नहीं आनी है, क्योंकि हमें जो है कुछ करके दिखाना है और आज हमारे लक्ष्य लेके चलना है। हमारा जो आज का साल शुरू हुआ है, भगवान मुझे इस साल के बाद जो है अगले साल ये समय मत लाना, मेरा बदला हुआ समय जो है ये लक्ष्य लेके हमें चलना है। बस ये जो अगला साल है इसमें हम सरकारी नौकरी यानी सरकारी भर्ती पहन के बैठेंगे, कुर्सी लेके बैठेंगे या भर्ती लेके बैठेंगे। मोहन आज घूमने जाएगा, उपसर्ग वाक्य में कौन सा विराम लगेगा बताएं? मोहन आज घूमने जाएगा वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह, जल्दी से आंसर कमेंट कर सकते हैं और मैं फिर इसका आंसर दूंगा आपके हिसाब से कौन सा चिन्ह लगे। अक्षित हीर बहुत अच्छे से, हीर का आंसर सही है, चंदन का आंसर बिल्कुल सही है, काजल ठाकुर का आंसर सही है, केतन का आंसर सही है, नेचुरल वाइब्स का आंसर सही है, मधु जी का आंसर सही है, पूर्ण विराम ए ऑप्शन, पूर्ण विराम लगे। क्या लगेगा बच्चों? पूर्ण विराम लगे, क्या लगेगा? पूर्ण विराम। अगला सवाल, तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग, जल्दी से आंसर दे सकते हैं अपना अपना, कब विराम लगेगा, कब आओगे के साथ आ रहे हैं मैक्सिमम, और जल्दी से आंसर कर सकते हैं सभी को, सभी साथ साथ में आंसर साथ साथ में देते रहिएगा। माइक साउंड प्रॉब्लम है, माइक में साउंड प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, फिर भी मैं इसको प्रॉब्लम को एक बार फिर भी देखूंगा। आप अपनी प्रॉब्लम्स को देखिए, आपको सॉल्यूशन में वहीं पे ही मिल रहा है, आप अपना आंसर साथ साथ में करिएगा। तुम कब आओगे मैं कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, तो क्वेश्चन का आंसर है प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। धन्यवाद हिमालयन देवभूमि, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध शब्द है कौन सा है, अशुद्ध शब्द कौन सा है बच्चों, जल्दी से अपना आंसर साथ साथ में कमेंट करिएगा, अशुद्ध शब्द बताएं कौन सा है, सभी साथ साथ में अशुद्ध शब्द बताएं। अशुद्ध शब्द बताएं सभी साथ साथ में, अशुद्ध शब्द बताएं बच्चों, बहुत बढ़िया से सी ऑप्शन के साथ आ रहे हैं, शुद्ध शब्द है। अच्छा, इनमें से शब्दों में से शुद्ध शब्द है कौन सा है, मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, वो है जी जी विशा, जी जी विशा शुद्ध शब्द में से शुद्ध शब्द है जी जी विशा। नेक्स्ट, बहुधर्मी का संधि विच्छेद बताएं, बहुधर्मी का संधि विच्छेद बताएं, जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर सकते हो, आंसर दीजिएगा, करेक्ट आंसर रहेगा बहु जमा उधर्मी ए ऑप्शन, बहु जमा उधर्मी ए ऑप्शन रहेगा प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन बहु जमा उधर्मी वाला ए, बहु जमा ये गलत है, गलत है, बहु जमा उधर्मी बी ऑप्शन पे जाना था, धर्मी। अगला सवाल, अल्भय का विलोम शब्द बताएं, अल्भय का विलोम शब्द बताएं, अल्भय शब्द का विलोम बताएं, अल्भय शब्द का विलोम बताएं, जल्दी से जल्दी अपना आंसर कर सकते हैं, अल्भय अल्भ अल्भय डी ऑप्शन के साथ आ रहे हैं, बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया है, अल्भय भय भय। किए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प का विलोम शब्द है, का विलोम शब्द, आंसर करें, उम्मीद का विलोम शब्द क्या है, साथ में उम्मीद का विलोम शब्द है मायूसी, क्या बताना है, उम्मीद का क्या है मायूसी, क्या है मायूसी, ए ऑप्शन, मधु जी बिल्कुल सही, आपका निश राणा जी आपका सही, बहुत बढ़िया, सबके आंसर सही आ रहे हैं, याद रखिएगा दिमाग में। जीभ का प्राय बताएं, जीभ का प्राय क्या, जीभ का प्राय क्या है,
करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन, रसना सी ऑप्शन, बिल्कुल अक्षित हीर और काजल ठाकुर चंदन, बिल्कुल सही आंसर। अगला सवाल, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो वे है, का घरवाला यानी कि चला जाए तो फिर बताएं क्या होगा, क्या होगी बेचारी, बताएं क्या क्या कहेंगे जिसका पति यानी कि चला जाए। आंसर रहेगा वो है डी ऑप्शन, योगनी, योग है दुखी है, दुख मतलब वियोग, योगनी क्या होगा, वियोगनी डी ऑप्शन। नेक्स्ट आज सवाल दसवां, आस्कित शब्द का अर्थ क्या है, आस्कित शब्द का अर्थ क्या है, आस्कित शब्द का क्या अर्थ, जल्दी से आंसर करिएगा सभी साथ साथ में, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। आस्कित शब्द का अर्थ करेक्ट आंसर क्या रहेगा वो है अनुराग, अनुराग ठाकुर नहीं, राग, राग जो है वो इसका सही हल है मेरे प्यारे मित्रों, अनुराग। आगे है क्वेश्चन जो है हमारी क्लास जो है अब ये करंट अफेयर की स्टार्ट करने जा रहा हूं, हमारी करंट अफेयर की क्लास शुरू हो रही है बच्चों, सी को मैं बोलूंगा कि आप सबका स्वागत है और ध्यान से करंट अफेयर जो है हमारे रोजाना लगाइए और रोजाना आपके लिए जो है वो करंट अफेयर की क्लास लेकर आता हूं, करंट अफेयर की क्लास को रोजाना प्रॉपरली लगाइए। पहला सवाल, हाल ही में किसने टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है, जल्दी से बताएं, हु हैज रिसेंटली विन द टैगोर लिटरेरी अवार्ड, इन पांडे, पुष्पा भारती, रीता पॉल एंड कोई नहीं, डी ऑप्शन आंसर क्या रहेगा, ए बी सी डी, बहुत बढ़िया से सभी अपना अपना आंसर जो है वो देखते रहे देते रहे, बहुत बढ़िया जी, करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सुकृता पॉल, सुकृता पॉल जो है वो सी ऑप्शन एक्यूरेट रहेगा। बच्चों प्रसिद्ध रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार ने अभी आलोचक सुकृता पॉल मार को अपनी पुस्तक साल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स के लिए छठा पुरस्कार प्राप्तकर्ता नामांकित किया है, ये प्रतिष्ठित पुरस्कार विश्व शांति, साहित्य, कला, शिक्षा और मानव अधिकारों को बढ़ावा देने वाले दुनिया भर के उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों के लिए को मान्यता देता। अगला सवाल, राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 जल्दी से आंसर करें, महिला एकल का खिताब किसने जीता है, महिला एकल का खिताब किसने है, हु विन द वुमेन टाइटल द नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023, करेक्ट आंसर रहेगा अनमोल खरब, अनमोल खरब जो है बी ऑप्शन का सही आंसर रहेगा। थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं, अनमोल जो खरब है ये गुवाहाटी में राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है और पुरुष एकल खिताबी मुकाबले में उलटफेर देखने को मिला, क्योंकि गैर वीरता प्राप्त चिराग सेन ने चौथी वीरता प्राप्त हारून एम को हराकर राष्ट्रीय खिताब हासिल किया। अगला सवाल, कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक, सभी आंसर कमेंट करते रहिएगा करंट अफेयर से जुड़े हुए सवालों के लिए। बहुत बढ़िया जी, सिया शर्मा बी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, बहुत बढ़िया जी, करेक्ट आंसर रहेगा सी एम राजन, डी ऑप्शन सी एम राजन जो है वो इसका सही आंसर रहेगा प्यारे बच्चों, सी एम राजन का सही आंसर है। कोटक महिंद्रा बैंक के पार्ट टाइम अध्यक्ष के रूप में सीएम राजन की नियुक्ति की गई है, यानी कि पार्ट टाइम है, फुल टाइम नहीं है, एक बात याद रख लीजिए, कौन से है पार्ट टाइम। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपनी मंजूरी दे दी है और राजन वर्तमान में बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य भी करेंगे और 1 जनवरी यानी कि आज से 1 जनवरी 2024 से ये प्रभावी हो गए हैं और इनकी अवधि जो है वो अक्टूबर तक सीएम राजन की वो रहेगी 22 अक्टूबर 2024 से बैंक के बोर्ड में स्वतंत्र आ रहे हैं। अच्छा, ये इस वक्त जो है इनकी जो अवधि है तक चलेगी वो है चलेगी सीएम राजन ने 22 अक्टूबर 2022 से बैंक के बोर्ड में स्वतंत्र। अच्छा, ये पहले से भी बोर्ड में है प्यारे बच्चों, ये एक कौन से बोर्ड में है 2022 से है,
बैंक के बोर्ड में लगे हुए हैं और वहां पर निर्देशक के रूप में जो है भूमिका निभा रहे हैं। अब जो है वो सीएम राजन जो है पार्ट टाइम अध्यक्ष बनेंगे महिंद्रा कोटक बैंक के, ये बोला गया है। अगला सवाल, देश का पहला एआई सिटी शहर किस राज्य में बनाया जाएगा बनेगा, जल्दी से आंसर करें, देश का पहला एआई शहर किस राज्य में बनेगा। केतन बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया जी। करेक्ट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बनेगा भैया। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश लखनऊ में देश का पहला एआई शहर स्थापित करने के लिए तैयार है। इस पहल का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमता एआई की बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए एक संपन्न केंद्र बनाना, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी संस्थान केंद्र और शैक्षणिक संस्थानों की को एकीकृत करना ताकि नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके और भविष्य में कार्यबल को पोषण भी किया। अगला सवाल, इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार के चुना गया है, सभी आंसर दीजिएगा, सभी आंसर कर सकते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा तोरा थेम्बम गांभनी को, ये जो है उनको चुना गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार में, और ये प्रसिद्ध त्रिपुरा से जुड़ी हुई है, त्रिपुरा के प्रसिद्ध मणिपुरी कवि तोरा थेम्बम गांभनी को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये पुरस्कार उनकी काव्य पुस्तक डांच का गब्बा नाग हल्लो के लिए दिया जाएगा, ये इसकी पुस्तक है, इसका नाम भी याद रखिएगा, बहुत काम की। और ये 24 साहित्य जो अकेडमी पुरस्कार है 24 भाषाओं में अपने वार्षिक साहित्य अकेडमी पुरस्कारों की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की ट्रॉफी जीती है, कौन सी यूनिवर्सिटी ने जो है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की ट्रॉफी जीती है, जल्दी से आंसर करिएगा। क्या बात है, बनारस है, गुरु नानक देव है या कोई नहीं, बिल्कुल सही है निकेतन, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी 54 साल इतिहास में 25वीं बार जो है भारतीय खेलों में सबसे प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठित मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी जीतकर एक बार फिर इतिहास रच दिया है। और गुरु नानक देव विश्वविद्यालय देश का एकमात्र विश्वविद्यालय है जो 9 जनवरी 2024 की बात कर रहे हैं अभी आने वाले, तो राष्ट्रपति भवन में देश के माननीय राष्ट्रपति द्वारा द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है माका ट्रॉफी का आयोजन भी करेगा। नेक्स्ट देखिएगा, किस केंद्रीय मंत्री ने दो दिवसीय जनजातीय केंद्रित कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया, किसने किया है ये आदि व्याख्यान का उद्घाटन, करेक्ट आंसर रहेगा, बिल्कुल सही है निकेतन, बिल्कुल सही, अर्जुन मुंडा, डी ऑप्शन, अर्जुन मुंडा जो है बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, बहुत बढ़िया सही आंसर डी ऑप्शन, केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री हैं ये अर्जुन मुंडा, पहले तो ये भी याद रखना है कि ये अर्जुन मुंडा है कौन, केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री हैं और नई दिल्ली में दो दिवसीय जनजाति केंद्रीय कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया। और क्या किया है, कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान NTRI द्वारा किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है कि जनजातीय परंपराओं और संस्कृति जटिलताओं की गहरी समझ और उनके अस्तित्व की चुनौतियों को पता लगाना है। सिल्क रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है, मतलब सिल्क का काम करना है तो रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अच्छा वाला राज्य कौन सा है जहां पे सिल्क का काम बहुत ही अच्छे से किया जा सकता है, सर के दे सकते हैं आप अपना अपना, आंसर क्या रहेगा वो है केरल, केरल को पसंद किया है जी, क्या सिल्क रिपोर्ट्स के अनुसार 2024 में कहां पे केरल, भारत में काम करने के लिए केरल सबसे पसंदीदा राज्य बना है, क्या सिल्क रिपोर्ट्स 2024 में केरल के दो शहर कोची और तिरुवनंतपुरम भारत में युवाओं के बीच काम करने के लिए सबसे पसंदीदा स्थान बनकर उभर। अगला सवाल, चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब किसने, चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब किसका है, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा, करेक्ट आंसर रहेगा डोम मारा राजू केश जो है चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 खिताब क्या है मिला मिलेगा, और इनका है टूर्नामेंट अर्जुन गैसी ने दूसरा स्थान हासिल किया है और अर्जुन मुकेश ने दोनों ने प्रतियोगिता में वो 7
4.5 अंक हासिल कर लिए हैं और केश ने टाई ब्रेक पर ये टूर्नामेंट जीत। अगला और लास्ट सवाल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाज कौन बने, दूसरे ज्यादा रन बनाने बल्लेबाज कौन बने, सभी आंसर करिएगा। करेक्ट आंसर रहेगा वो है डेविड वार्नर। डेविड वार्नर जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। ये हैं ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बन गए। वार्नर पाकिस्तान के खिलाफ 4 टेस्ट सीरीज के उपलब्धि हासिल। ये थे हमारे करंट अफेयर के क्लास और ये है आज का ऑफर। ऑफर है आपका 10 जनवरी तक रहेगा, ये 50% ऑफ है। Y24 कोड यूज कर लीजिएगा Y24, जो कि SSC GD की तैयारी करने वाले बच्चों, SSC GD की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज पर ऑफर है 50% ऑफ। तो मॉक टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, चैप्टर टेस्ट मिलते हैं वो ले सकते हैं, मॉक टेस्ट 50% ऑफ पर Y24 कोड लगाकर जो है आप यूज कर सकते हैं और इस टेस्ट सीरीज का आप आनंद ले सकते हैं। और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती तो आप दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं, तो आपकी वो जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करें। सीरीज में आपको पूरे 10 मॉक दिए जाते हैं, इस सीरीज में आपको कुल पूरे 10 मॉक दिए जा रहे हैं। आप पेपर में जाने से पहले एक बार खुद भी देखिए और दूसरा सभी टॉपिक वाइज यानी चैप्टर टेस्ट बोल सकते हैं, चैप्टर टेस्ट अलग से दिए जा रहे हैं जिसमें आपके सभी टेस्ट यानी एप्टीट्यूड, बात कर रहा हूं मैं इंग्लिश और साथ में जनरल नॉलेज ये कर देता हूं, सब दिया जा रहा है। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी। हम जो है अब अगली क्लास की तरफ चलेंगे जो कि हमारी है क्या स्टैटिक जीके की। क्या स्टैटिक जीके में जो है स्टार्ट करने जा रहा हूं, क्या स्टैटिक जीके हमारे साथ लगा सकते हैं। पहला सवाल, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की, आंसर दीजिएगा फटाफट। तो 1903, 1906, 1905 मुस्लिम लीग की स्थापना कब, इसे आंसर करिएगा। आचल जी बोल रहे हैं डी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, परिकेतन 1906 के साथ जा रहे हैं, करेक्ट आंसर देख लेते हैं 1906, बिल्कुल सही आंसर 6 प्यारे बच्चों, 1906 जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका बांग्लादेश, इसके संस्थापक कौन थे, नवाब सलीमुल्ला थे, कौन थे, नवाब सलीमुल्ला थे मुस्लिम लीग स्थापक। नोट कर लेना आपके बहुत काम आएगा ये। सवाल नंबर 2, द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ सितंबर वाज हेल्ड एट, 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सेशन का आयोजन डैश में किया गया था, यानी कि कहां पर किया गया था, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा वो है ए ऑप्शन कोलकाता, कलकत्ता बोलते थे, कोलकाता अब बोलते हैं, ठीक है जी, कलकत्ता। सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया। वर्ष 1920 में कांग्रेस अधिवेशन में गांधी द्वारा असहयोग प्रस्ताव रखा गया था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता की थी। तभी से रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को अंत तक बने रहिएगा तो ही मजा आएगा। भारत में मुगल शासन को खत्म करने का एक बड़ी सीमा का श्रेय दिया जाता है, मौर्य, गुप्त, चोल या मराठा। भारत में मुगल शासन को खत्म करने का एक बड़ी सीमा तक श्रेय दिया जाता है, अभी अपना आंसर सोचिएगा। SSC की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, करेक्ट आंसर रहेगा डी मराठा। मराठा जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा, मराठा जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 17वीं शताब्दी में जो है मुगल साम्राज्य के विघटन के लिए मराठा राज्य जो है काफी हद तक उत्तरदायी है, क्योंकि इन्होंने आगे बढ़ने नहीं दिया आखिर तक, और मुगल साम्राज्य के विघटन में की प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही देश में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना का सिलसिला आरंभ हुआ और उनमें सर्वाधिक शक्तिशाली जो साम्राज्य था वो मराठा साम्राज्य था, आपने सुना होगा छत्रपति शिवाजी का। निम्नलिखित में से किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना था, कौन सा समझौता है जो कि हिंदू मुस्लिम एकता से जुड़ा हुआ है, में जो मतभेद है वो सुलझा दिए जाए। अब आपके हिसाब से कौन सा समझौता है जो हिंदू मुस्लिम मतभेदों से जुड़ा हुआ था, करेक्ट आंसर रहेगा वो है ए ऑप्शन लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ है, याद रखिएगा पहली बात, और
मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया है इस समझौता में, ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, ऐसे भी याद सकते हैं। और इनका उस समय स्पष्ट मत था कि भारत स्वशासन केवल हिंदू मुस्लिम एकता के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। अगला पांच नंबर सवाल, वास्को डिगामा 1498 में भारत में कहाँ आया था? वास्को डिगामा जो है 1498 में भारत में कहाँ पर आया था, या बता सकते हैं, अपना आंसर दे सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया निकेतन, करेक्ट आंसर रहेगा कालीकट। कालीकट में जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रथम पुर्तगाली यात्री थे वास्को डिगामा, अब्दुल मनीत नामक गुजराती प्रथम प्रदर्शक सहायक से 1498 की यको कालीकट भारत के समुद्र तट पर उतरा। वास्को डिगामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक लाभ कमाया, इससे अन्य पुर्तगीज व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला और वास्को डिगामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री पेड्रो अल्वेरेज बेक्रल था, जो कि 1500 में, क्या आपके आपको पता होना चाहिए, पहला वास्को डिगामा आया 1498 में, वो आया क्यों था, यहाँ पे काली मिर्च बेचने, काली मिर्च बेचने के बाद जो है वो तो चला गया, मगर यहाँ पर फिर लोगों को पता लग गया कि भैया वहां पर ठीक बिक रहा है सामान, तो फिर दूसरा बंदा भी चला आया था 1500 में, ज्यादा कुछ। छह नंबर है, भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है, कौन सा कच्चा पदार्थ है, इसमें से बताइएगा कच्चा पदार्थ बचो कौन सा है, ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, कोयले को बता रहे हैं, चलो देख लेते हैं। डी ही बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया चंदन जी, बहुत बढ़िया। रजनीश, अनिकेतन, काजल शर्मा बिल्कुल सही, कोयला। कोयला जो है हमारा सबसे बड़ा खनिज संसाधन है और नवीनतम स्थिति के अनुसार विश्व में कोयला उत्पादन के मामले में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। कोयला उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से खड़ा हुआ है या बन रहा है, तो आपको दिमाग में रख लेना है कौन सा स्थान है, तो वो दूसरा स्थान है। और भारत में कोयला का संचित भंडार जो है वो 91,720 मिलियन टन है। भंडार की दृष्टि में भारत का विश्व में पांचवा स्थान है और भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए कोयला प्रमुख कच्चा पदार्थ है। देश में इस सकल वाणिज्य ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति के में इसका लगभग 70% योगदान है। और भारत में कोयले के भंडार की दृष्टि में शीर्ष सबसे पहले कौन आएगा, वो है झारखंड, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़। याद रखिएगा पहले नंबर पर है झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला, नंबर दो पर उड़ीसा और नंबर तीन पर बच्चों कहां पे है, छत्तीसगढ़, नोट कर लीजिएगा। और उत्पादन में ये तो भंडार था, उत्पादन की दृष्टि में उड़ीसा, उल्टा कर लीजिएगा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और फिर झारखंड है ये उत्पादन की, और पहले जो मैंने बताया है वो भंडार की दृष्टि में था। अगला सवाल सात नंबर, 1905 में बंगाल राज्य के विभाजन की घोषणा किसने, बंगाल के विभाजन की घोषणा किसने की, क्या आंसर होगा, करेक्ट आंसर रहेगा वो है डी, लॉर्ड कर्जन, डी ऑप्शन, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, याद रखिएगा। और राष्ट्रवादियों के भारी विरोध के बावजूद बंगाल का जो विभाजन किया गया है 1905 में, और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया। और 1911 में जब देश की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी, तब पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल पुनः एक हो गए थे। याद रखिएगा कि भारत की राजधानी जो है वो कोलकाता से दिल्ली कब की गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, कोलकाता से दिल्ली कब की गई थी, तो 1911 में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। रोजाना इस वीडियो के साथ और रोजाना इस क्लास को बने रहिए बेस्ट टू बेस्ट के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं है, नहीं है 1857 के विद्रोह से बंदा कौन सा नहीं जुड़ा है, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ए बी सी डी, चार ऑप्शंस हैं आपके पास, करेक्ट आंसर रहेगा वो है बी ऑप्शन, भगत सिंह, भगत सिंह जो है वो इनसे नहीं जुड़े। 1857 के विद्रोह के समय भगत सिंह का जन्म ही नहीं हुआ था भैया, तो जुड़ेंगे कैसे, इनका जो जन्म है ये 1907 में पैदा हुए थे, दिसंबर 28 दिसंबर, तो भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारियों में, ठीक है जी। नौ नंबर सवाल, भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन, 1857 के समय भारत का मुगल विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था, इस समय जो है विद्रोह हुआ है 1857 का, आंसर क्या रहेगा प्यारे बच्चों, सभी अपना आंसर जो है वो साथ साथ में दीजिएगा, करेक्ट आंसर रहेगा वो सी है, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय जो है वो इसका सही आंसर है, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर भारत में मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे। बहादुर शाह ने 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया था, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10 नंबर सवाल आज का,
स्वतंत्रता आंदोलन या संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? जल्द से जल्दी बताएं, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष थे कौन थे जिन्होंने निर्वाचित यानी कि जीत गए थे फिर भी इस्तीफा दे दिया अध्यक्ष पद से, कौन थे? करेक्ट आंसर रहेगा वो है बच्चों डी ऑप्शन, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही मिस्टर फॉक्स सॉन्ग, बहुत बढ़िया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष जो थे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने जनवरी 1939 को कांग्रेस के अध्यक्ष पद होते हुए भी चुनाव की भट्टावधि सीतारमैया को 203 मतों से पराजित कर दिया और कांग्रेस अध्यक्ष पद पर निर्वाचित भी हुए और बाद में 29 अप्रैल को 1939 को अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नाम से अपनी पार्टी स्थापित की, अपने नाम की पार्टी बना दी फॉरवर्ड ब्लॉक की। तो ये थे हमारे सामान्य ज्ञान यानी कि इंडिया स्टैटिक जीके। अब हमारी क्लास जो है या हमारा अंतिम सब्जेक्ट जो है वो शुरू होने जा रहा है, वो है जनरल साइंस, सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए सवाल टॉप 10। हमारे साथ बने रहिएगा इसी चैनल पर और फटाफट वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? जल्दी से बताएं किस को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्यारे बच्चों, आंसर अच्छे से दीजिएगा, सुंदर से आंसर आने चाहिए आपके। करेक्ट आंसर रहेगा वो है ए ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत बढ़िया जी सिया जी, ये बहुत बढ़िया है, फॉक्स सॉन्ग बहुत बढ़िया है। रोजाना 8 बजे हमारी क्लास को लगाने आइए। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र भी याद रखिएगा, केमिकल फॉर्मूला, और वायुमंडल में ये जो है 0.03% होती है, याद रखिएगा। और ये हमारे जीवन रक्षक जीवन के लिए भी बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। अगला सवाल दो नंबर, गैस व्यापक रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, बहुत ज्यादा ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, और संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का एक प्रमुख घटक भी। मीथेन के साथ जा रहे हैं सभी आंसर, मीथेन के साथ जा रहे हैं, बहुत बढ़िया से। करेक्ट आंसर भी देख लेते हैं, सी मीथेन, बिल्कुल सही आंसर, मीथेन जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। याद रखिएगा सभी, सीएनजी की फुल फॉर्म कई बार पेपर में पूछ लेते हैं बच्चों, सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि गाड़ियों में भी यूज करते हैं, और इसमें मीथेन जो है वो 90% होती है, और ये पर्यावरण के लिहाज से सही ईंधन है। अगला सवाल, तरल पदार्थ में गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन, इक्वल टू गैस चेंज होगा तो उसको क्या कहेंगे? करेक्ट आंसर रहेगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर रहेगा वेपोरेशन, वाष्पीकरण, बिल्कुल सही वाष्पीकरण, ए ऑप्शन। अगला सवाल, NaCl में डैश होता है, सोडियम क्लोराइड है, इसमें क्या होता है? बॉन्ड है ये पूछे हुए, बंध बोलते हैं, आबंध बोलते हैं, क्या कौन सा आंसर सही रहेगा? भी आंसर कर सकते हैं साथ साथ में, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों। सही आंसर रहेगा डी ऑप्शन, आयनिक आबंध होता है, क्या होता है? आयनिक आबंध होता है। अगला सवाल, पीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में डैश हो जाता है, पीला लिटमस पेपर जो है अगर एसिड के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाता है? रेड कलर के साथ जा रहे हैं, बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया जी, ए ऑप्शन, लाल लिटमस में जो है वो चेंज हो जाता है इसका रंग। ये इसकी डिटेल है, ये आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर आपको ये अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा। जो बच्चा अभी फर्स्ट टाइम जुड़ रहा है वो दिए गए नंबर पर यानी कि हमारे लाइव चैट पर जो है दिया गया है लिंक, इससे आप ज्वाइन करके आप यहाँ से पा सकते हैं आज की क्लास को। कठोर पानी को उबाल कर या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालकर उसे मृदु जल बनाने की क्या वो क्या कहते हैं? हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट वाटर बनाना है उबाल कर, में हम क्या करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं, तो उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्लार्क की प्रक्रिया, क्या बोलेंगे? क्लार्क की प्रक्रिया यानी क्लार्क प्रोसेस कहेंगे, क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? क्लार्क प्रोसेस कहेंगे। थोड़ा सा इसको बता देता हूँ, कठोर जल को उबाल कर या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर मृदु जल बनाने की प्रक्रिया को क्लार्क की प्रक्रिया भी कहते हैं। क्लार्क प्रोसेस से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के प्रयोग द्वारा कठोर जल मृदु किया जाता है, और क्लार्क प्रोसेस का प्रयोग जल में घुले आयन, मैग्नीशियम तथा आर्सेनिक आदि शुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है। कोका कोला का आविष्कार किसने किया? जल्दी से आंसर दीजिएगा, सभी पीते होंगे कोका कोला, कोका कोला का आविष्कार किसने? कोका कोला का आविष्कार किसने किया? तो करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन, जॉन
पेम्बेटरन, जॉन पेम्बेटरन ने किया था कोका कोला का आविष्कार, पढ़ा है 19, याद रख लीजिए। और ये अमेरिका की जर्जिया प्रांत के अटलांटा शहर में स्थित के अध्यक्ष अध्ययन को द स्टडी ऑफ इंसेक्ट को क्या कहा जाता है, ये बड़ा भारी सवाल जो है बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है स्टडी के ऊपर, इसलिए आपको मैं कहूंगा कि स्टडी के ऊपर जो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वेश्चन को जरूर तैयार करके और करके भी जाना है आपको। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बिल्कुल बहुत ही अच्छे से आंसर आए हैं। करेक्ट आंसर रहेगा क्या है वो ये है एंटेमोलॉजी, एंटेमोलॉजी जो है वो इसका सही आंसर रहेगा एंटेमोलॉजी। और भी बता देता हूँ, एंटेमोलॉजी जो है वो कीटों का अध्ययन है, एंथ्रोपोलॉजी जो है वो मनुष्यों का, ऑर्निथोलॉजी जो है वो पक्षियों का अध्ययन है, जियोलॉजी जो है भू गर्भ का अध्ययन। नेक्स्ट सवाल आ जाता है, पौधों में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है, पौधों में जाइलम की उपस्थिति में से क्या होता है, आंसर कमेंट कर सकते हैं आप जल्दी से। पौधों में जब जाइलम होता है तो उसकी उपस्थिति से क्या होता है, करेक्ट आंसर रहेगा ए जल का बहन, यानी जो पानी है वो मूव करता है जैसे ऊपर जड़ों से, या पौधों की जड़ों से जल की पत्तियों तक शाखाओं तक पहुंचाने का काम करता है। अंतिम सवाल आज का, ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन क्या करता है, आंसर कर सकते हैं ट्रिप्सिन क्या करता है। बहुत ही बढ़िया, आज क्लास में आप बहुत अच्छे से पढ़े, बहुत ही अच्छे से आपने आज की तैयारी की, करेक्ट आंसर रहेगा डी ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स, प्रोटीन का विघटन यानी शरीर में ट्रिप्सिन या ट्रिप्सोन भोजन के रूप में रहती है और ये अंतरस यानी अग्नाशय रस में होता है, ट्रिप्स रोज भोजन ट्रिप्सिन बन जाती है और ये एंजाइम जो है सक्रिय होता है ये अमीनो अम्ल में जो परिवर्तन। अगर किसी बच्चे को बुक की आवश्यकता होती है विजयपथ की फाउंडेशन बुक जो कि एप्टीट्यूड फाउंडेशन बुक है प्रैक्टिस के लिए 499 की है, 60 रुपया शिपिंग चार्जेस है, 559 रुपीज की आपको जो है आपके घर द्वार पर जो वो हम मुहैया करवाएंगे, आप बाय नाउ करिए प्ले स्टोर में जाकर हमारे, और हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया हैंडल पे जो कि हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप फेसबुक यूट्यूब और इंस्टा पर है। किसी भी प्रकार की आवश्यकता के लिए आप हमें संपर्क करिएगा दिए गए नंबर्स पे, इसका पीडीएफ पाने के लिए जो है आप अभी टेलीग्राम पर ये आ जाएगा। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगी रोजाना समय पर क्लासेस लगाएं, रोजाना इन क्लासेस का आनंद लें। आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा, आज की क्लास में आप हमारे साथ जुड़े आपका धन्यवाद, ऐसे ही अपने बने साथ प्रेम हमारे साथ भाव रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।